कुरुमा, पर शिवन्या कहाँ मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी जरूर। वो नागिन जमीन के दो गज नीचे हो या आसमान में, मेरे बाज उसे ढूंढ कर ही निकालेंगे। ये देखो जा ढूंढ के निकाल किस बिल में छिपी है वो नागिन शिवन्या। जा। जी गुरुमा, चलो बेटा। आज यही रुक गया, इसका मतलब है कि शिवन्या यही कही है। चलो चलकर देखते हैं। बेटा, ये बास तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम अपनी जान बचाओ, ऋतिक से मैं बात कर लूंगा। लेकिन बाबा। शिवन्या, बचो इसके वार से। तुम शिव मंदिर में चली जाओ, ये बास तुम पर वहां वार नहीं कर पाएगा। जी। ये बात मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जरूर नहीं, गुरुमा ने भेजा होगा। कोशिश कर ले, तू मुझे कभी नहीं मार सकता।
अपने माँ बाबा के कातिलों को मार ना दूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। पर मैं मार सकता हूं। मार सकता हूं। आज शिवन्या नाम का कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाएगा हमेशा के लिए। एक नहीं हजार मौत दे दो मुझे ऋतिक, मैं पलटकर वार नहीं करूंगी। बस एक बार मेरी बात सुन लो। सबसे ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया, सबसे ज्यादा मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने तुमने मेरे ही परिवार को मार दिया। उन्हें मारने के लिए मुझसे शादी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश। तुम झूठी, तुम्हारा रूप झूठा और तुम्हारा प्यार झूठा। नहीं, नहीं। मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके प्यार में डूब गया तो मेरी नैया डूब जाएगी। ऋतिक, ऋतिक ये नागिन है, इसने हमारे अपनों को मारा है, तुम्हारे पापा को मारा है इसने। आज तुम नहीं बचेगी, नहीं बचेगी मेरे बात से।